अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मैरिड लाइफ में कई बार बेबी होने के बाद वो पहले जैसी बात नहीं रहती। कई बार काम की टेंशन, घर की जिम्मेदारियों की वजह से रिश्ते की गर्माहट गायब हो जाती है। लाइफ वो रिंग सी लगने लगती है। यदि आप लाइफ में दोबारा वही टेस्ट चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए इन छोटे टिप्स को अपनाकर अपने रिश्ते में प्यार के रंग भर सकते हैं। 1. कुकिंग के साथ साथ रोमांस। अपने पार्टनर के साथ किचन में मिलकर कुकिंग का मजा लें। उसी बहाने उनके साथ रोमांस करें। सारी टेंशनों को भूलकर खुलकर अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएं। 2. ट्रिप पर जाएं। यदि आप हमेशा शहर में ही घूमने जाते हैं तो इस बार कहीं बाहर घूमने का ट्रिप बनाएं। अपनी पार्टनर को कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं। दोनों साथ में वक्त बिताएंगे तो अपने आप नजदीकियां भी बढ़ेगी। 3. खुलकर बातें करें। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें ताकि पता चल सके कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप उनकी टेंशनेस के बारे में जान सकोगे तो उसका हल भी निकालने में उनकी मदद करोगे, जिससे आपके रिश्ते में नई जान आ सकेगी। 4. झगड़ा भी बुरा नहीं। रिश्ते में अगर माँ न मुटाव या झगड़ा ना हो तो रिश्ता कभी गर्म नहीं हो सकता। अगर वह आपसे रूठी हुई है तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें तब तक मनाते रहें जब तक कि वह आपको कस के गले न लगा लें। झगड़ा खत्म होने के बाद आप पाएंगे कि आप उन्हें और भी बेहतर जानने लगे हैं। 5. रोमांटिक बने। अगर आप रोमांटिक नहीं है तो आपका रिश्ता एक टाइम के बाद बोरिंग होने लगता है। अगर आप ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार मोहब्बत का तड़का लगा रहे तो थोड़ा रोमांस सीख लें। 6. पलों को बनाएं अंतरंग। अपने पार्टनर के साथ अंतरंग संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। हर रोज न सही लेकिन हफ्ते में 2 बार तो उनके साथ इंटीमेट होएं। उनकी आंखों में आंखें डालकर प्यार भरी बातें करें। ऐसा करने पर प्यार अपने आप उमड़ कर बाहर आएगा। 7. प्यार भरे गिफ्ट दें। बोरिंग लाइफ को जानदार बनाने के लिए अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देते रहें। इससे उन्हें लगेगा कि अभी भी आप उनसे पहले जैसे ही प्यार करते हैं, जिससे आपका रिश्ता हरदम नया लगेगा। आप उन्हें गुलाब का बुके देकर भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।